दोस्तों आज तक हमें फिल्मों में जॉम्बी दिखाए गए वो झुंड के झुंड लोग जो आधे मरे खून से लथपथ और खून के प्यासे जो फिल्मों में एज ए नरभक्षी दिखाए गए, पर यह तो हुई मूवीज की बात। फिर भी हमारे और आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल रह जाता है कि जॉम्बी सिर्फ एक काल्पनिक चीज है या जॉम्बी सच में होते हैं? क्या ऐसा कभी होगा हम इंसान अपनी ज्ञान इंद्रियों अपनी आत्मा से नियंत्रण खो देंगे? क्या जॉम्बीज की बात एक कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता हो सकती है? देखिए, हम जानते हैं कि यह एक मिथ है, मगर हर मिथ के पीछे कोई न कोई सच छुपा होता है। यह एक वायरस लोगों को खूंखार शैतान बना देता है। क्या हम जो सोच रहे हैं वह सच हो सकता है? तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत करते हैं इडियट ट्रुथ की कमाल की वीडियो में। तो दोस्तों आइए जानते हैं, जब हम में से अधिकांश लोग एक जॉम्बी की कल्पना करते हैं तो हम एक अधमरे सड़ते हुए शव की कल्पना करते हैं जो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो आपको जीवित ना खा जाए। दोस्तों आमतौर पर जॉम्बी को किसी प्रकार के वायरस परिणाम स्वरूप चित्रित किया जाता है जो काटने के माध्यम से जीवित व्यक्तियों तक पहुंचता है। चलते फिरते अधमरों का डर प्राचीन यूनानियों में हजारों साल पुराना है। हम यह जानते हैं क्योंकि पुरातत्वविदों ने पूरे ग्रीस में प्राचीन कंकालों और उनकी छाती पर भारी पत्थरों से भरी कब्रें देखी हैं। पर क्यों? तो भाई ताकि वो जीवित हो जाए तो उन्हें उठने से रोका जा सके। तो क्या जॉम्बी असली है या यह सिर्फ एक मिथ है जो रात में हमें जगा रखने के लिए बनाया गया है? खैर, जैसा कि साइंस कहता है, लाश को कभी भी डरावना या खतरनाक नहीं माना जा सकता। अब सुनो, 1990 में दो साइंटिस्ट ने कई ऐसे केस सुने जिसमें लोगों का कहना था कि उन लोगों ने जॉम्बी देखा है। अब इन लोगों ने काफी रिसर्च की तो पता चला कि एक ऐसा आइलैंड है जहां पर वास्तव में जॉम्बी जैसे चीजें हैं। दोस्तों इस द्वीप का नाम हिस्पोनियोला था। यह हायती नाम के देश से लगा था। अब इस जानकारी के बाद ये लोग चल पड़े हिस्पोनियोला की ओर। अब आपको विश्वास नहीं होगा, वहाँ इनकी मुलाकात एक या दो नहीं बल्कि पूरे तीन तीन जॉम्बी से हुई। मे बी यू थिंकिंग आई एम जोकिंग, बट रीड दिस आर्टिकल केयरफुली। आइलैंड पर उन्हें तीन लोगों के केसेस मिले। सबसे पहली एक ऐसी लेडी जिसकी अकस्मात एक बीमारी की वजह से मौत हो गई और उसे कब्र में दफन भी कर दिया गया था, लेकिन उसके ही परिवार के सदस्यों ने कहा वही लड़की उस आइलैंड पर चलती दिखाई दी जो लड़खड़ा कर चल रही थी। नेक्स्ट केस था एक लड़के का जो 18 साल की एज में ही मर गया था, लेकिन फिर 18 साल बाद वह चलता हुआ दिखा। और तीसरी केस भी ऐसी ही थी। अब यह सुनने के बाद उन डॉक्टर्स की पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन अब ये दोनों थे डॉक्टर, अब इन्हें यह बात कहां पसती। फिर इन लोगों ने इन मामलों पर बारीकी से जांच किया और पता लगा यह सच है, पर वो जॉम्बीज नहीं बल्कि एक मेडिकल मेंटल व साइंस की वजह से हुआ था। अब यह तीनों केस का मेंटल डिसऑर्डर ही सबसे बड़ा कारण था। पहला केस उस लेडी का जो मरने के बाद भी घूम रही थी। उसे एक बीमारी थी जिसका नाम कैनाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया है। यह बीमारी बहुत ज्यादा रेयर है। इस बीमारी में इंसान जॉम्बीज की तरह लड़खड़ा कर चलता है। पर वो औरत तो मर गई थी ना, लेकिन वह मरी नहीं थी। अब इस बात का पता तब चला जब उस लड़की के हस्बैंड पर उसके माता पिता ने केस कर दिया। फिर कोर्ट के ऑर्डर पर उस कब्र को दोबारा खोला गया तो वहाँ पर लड़की के शव के जगह पत्थर पड़े थे, यानी कि वह लड़की जिंदा थी पर उस डिसऑर्डर की वजह से वो ऐसी हरकतें कर रही थी। फिर क्या, उस लड़की को खोजा गया और उसका इलाज हुआ। ऐसे ही लगभग सेम डिसऑर्डर इन तीनों को था, इसी कारण यह लोग एक जॉम्बी की तरह बर्ताव कर रहे थे। अब सुनो, एक और ऐसी ही बीमारी आती है जिसका नाम कैटर्ड सिंड्रोम है। इस बीमारी में व्यक्ति को लगता है कि वह मर चुका है और वह ऐसा भी सोचता है कि उसके पास शरीर ही नहीं है और वह जॉम्बीज की तरह बर्ताव भी कर सकता है। वेल, इसमें कई सारे ऐसे वायरसेस भी फैल रहे हैं जिससे लोग जॉम्बी की तरह बर्ताव कर रहे हैं। कोई बीमारी नहीं बल्कि एक वायरसेस की तरह है। वेल, वो सारी चीजें की बातें हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।